नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। उत्तर प्रदेश में कल लखीमपुर की घटना को लेकर केंद्रीय पत्रकार हेल्प एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इमरान और राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी के दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय प्रवक्ता राहत अली जी ने केंद्रीय पत्रकार हेल्प एसोसिएशन के माध्यम से कहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना बहुत ही निंदनीय है। इसमें अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें किसान और मीडिया कर्मी शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राहत अली जी ने बताया कि इस घटना में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया और पत्रकारों के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार हुआ है। इस घटना में एक पत्रकार की मृत्यु हुई है जो कि बहुत ही दुखद है। पत्रकार आए दिन लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए भी कवरेज करता है, लेकिन इस घटना में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़ दिए हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहत अली एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रवक्ता, केंद्रीय पत्रकार हेल्प एसोसिएशन के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर से रूबरू हुआ हूं। कल की जो घटना है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, बहुत ही दुखद घटना है जिसमें सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि 5-6 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि बहुत ही दुखद है। इसमें किसानों के साथ साथ जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया और पत्रकार, उनको भी भारी नुकसान हुआ है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए है कहीं भी कवरेज करने के लिए पहुंचते हैं। इसी घटना के दौरान पता चला है कि एक मीडिया कर्मी की मृत्यु भी हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस घटना में काफी मीडिया वालों को बहुत नुकसान हुआ है, पत्रकारों को काफी नुकसान हुआ है। उनके कैमरे छीन लिए गए हैं, उनके कैमरे तोड़े गए हैं। अगर उन्हीं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार होगा तो फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली ये मीडिया पत्रकार किस तरीके से काम करेंगे। इनके साथ जो अभद्रता हुई है ये बहुत ही गलत है। ऐसे ही काफी टाइम से मीडिया कर्मी पत्रकार काफी परेशान हैं। इनके लिए केंद्रीय पत्रकार हेल्प एसोसिएशन ने कई बार राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को शिकायतें दी हैं, विज्ञापन दिए हैं। प्रशासन में कई बार एसएसपी साहब को, एसीपी साहब को शिकायतें दी हैं, लेकिन आज तक इनकी कोई मदद नहीं हुई। पीछे के टाइम में कई सारे पत्रकारों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। ये बहुत ही गलत है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता इसकी कठोर निंदा करता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया और पत्रकारों के साथ इतना अभद्र व्यवहार होता है, तो ये बहुत ही गलत है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि आज तक जितने भी पत्रकारों की मृत्यु हुई है और इस घटना में मीडिया कर्मी की मृत्यु हुई है, उनके लिए सहायता प्रदान की जाए ताकि उनके बच्चों के भविष्य को सुधारा जा सके। अगर ऐसे ही पत्रकारों के साथ अभद्रता होती रही तो पत्रकार किसी को न्याय नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि वो भी कानून के दायरे में रहकर कानून की पूरी मदद करते हैं। जैसे पुलिस लोगों की मदद करती है, ऐसे ही पत्रकार और मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से ये अपील करता हूं कि मीडिया कर्मियों के लिए जल्द से जल्द कोई नया कानून बनाकर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि उनके परिवार की मदद हो सके। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।